नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस में होगी 7,500 पदों पर भर्तियां। पुलिस जवान के शहीद होने पर परिवार को मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एमपी पुलिस को सशक्त बनाने के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए बजट में 10,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों के लिए इस वर्ष 25,000 आवास बनाने का लक्ष्य है, जिनमें से 12,000 आवास बना लिए गए हैं। पुलिस का कोई जवान शहीद होता है तो परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमपी पुलिस में 7,500 पदों पर भर्तियां करने का निर्णय लिया गया है। यदि मध्य प्रदेश पुलिस का कोई जवान शहीद होता है तो 1 करोड़ रुपए की राशि में से 50% पत्नी और 50% की राशि माता पिता को प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि पुलिस ने निश्चित समय में थानों की सीमाओं का भी पुनर्निर्धारण किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि पुलिस ने इस चुनौतीपूर्ण कार्य को किया है, जिससे 22,000 गांवों को इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश के 10 जिलों में पीपीपी मोड से खुलेंगे मेडिकल कॉलेज, निजी भागीदारों से आवेदन मांगे। प्रदेश के 10 जिलों में सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी से मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इसके लिए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने निवेशकों से ऑफर बुलाए हैं। कटनी, मुरैना, पन्ना, बालाघाट, भिंड, धार, खरगोन, सीधी, टीकमगढ़ और बैतूल जैसे जिलों में कॉलेज खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इनमें से 5 जिलों के लिए इसी वर्ष पहले भी ऑफर मांगे गए थे, पर कोई निवेशक सामने नहीं आया था। अब इसमें 5 और जिले सम्मिलित कर नए सिरे से विज्ञापन जारी किया गया है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों के अनुसार सभी जगह 100 MBBS सीट की क्षमता वाले कॉलेज होंगे। ये कॉलेज बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट, मेंटेन एवं मैनेज आधार पर खोले जाएंगे। यानी निवेशक को निर्धारित शर्तों के अधीन कॉलेज बनाने में राशि लगानी होगी। संचालन, रखरखाव और प्रबंधन की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। संबंधित जिले के जिला अस्पताल का मेडिकल कॉलेज संचालक उपयोग करेगा। निर्धारित शर्तों के अधीन अस्पताल भी उसे दिया जाएगा, जिसमें 25% बिस्तर वह निजी रख सकेगा। इन कॉलेजों के लिए पहली निविदा 17 सितंबर को खोली जाएगी। बता दें कि अभी इनमें से किसी जिले में सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। यह कॉलेज शुरू होते हैं तो प्रदेश में निजी और सरकारी मिलाकर 36 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि में मध्य प्रदेश के 6 लाख किसानों की EKYC लंबित, नहीं मिल रहा योजनाओं का लाभ। भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई योजनाओं का लाभ अन्नदाताओं को तब तक नहीं मिलेगा जब तक वह अपने बैंक खाते की EKYC नहीं करवा लेते हैं। यही कारण है कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता से अब भी प्रदेश के कई किसान वंचित रह जाते हैं। दरअसल प्रदेश में लगभग 6,34,186 किसानों की EKYC लंबित है। यह वे किसान है जिनको पीएम किसान सम्मान निधि के तहत पंजीकृत किया गया है। अब इन किसानों की EKYC करने का लक्ष्य तय किया गया है। मध्य प्रदेश में शुरू हुए राजस्व महाअभियान के तहत इस लंबित आंकड़े को खत्म करने का प्रयास सभी जिलों के राजस्व अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 15 जुलाई से प्रदेश में राजस्व महाअभियानों की शुरुआत की है, जिसके तहत सभी तरह के लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण जिला कलेक्टरों द्वारा कराया जाना है। उद्योगपतियों से बोले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उद्योगों को सब्सिडी देने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य। एमपी में जबलपुर में 20 जुलाई कसे होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उद्योग की संभावना तलाशी जा रही है। मुख्यमंत्री ने जबलपुर के अलावा कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी के उद्योगपतियों से कहा कि प्रदेश में रोजगार और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगपतियों से संवाद के पीछे और इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के आयोजन का उद्देश्य यह है कि प्रदेश में उद्योग व्यवसाय व कारोबार दोगुना हो जाए। सीएम ने कहा कि यहां चल रहे उद्योगों की कठिनाइयों को दूर करने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। भारत के दिल मध्य प्रदेश में जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आने वाले इन्वेस्टर के लिए जबलपुर में उद्योग की संभावना पर लगातार मंथन किया जा रहा है। इसको लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री ने जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी के उद्योगपतियों से सीधा वर्चुअल संवाद किया। इस आयोजन से प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास के माध्यम से रोजगार और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। जिन्होंने नहीं भरा प्रॉपर्टी और वाटर टैक्स, उनके घर बाहर लिखा बाकी, वसूली का नया तरीका। खंडवा की नगर परिषद मुंदी ने टैक्स वसूली का अनूठा अभियान शुरू किया है। नगर परिषद को जलकर
संपत्ति कर सहित अन्य करों का लंबे समय से भुगतान नहीं करने वाले बकायादारों के घरों के सामने सड़क पर बाकी लिखकर गोल घेरा बनाया जा रहा है। इसका मकसद नगर परिषद की वसूली में तेजी लाना है। नगर में 200 से लोग ऐसे हैं जिन पर 30 लाख रुपए से ज्यादा का टैक्स बकाया है। कालाकुंड के नज़ारे देखने हो जाइए तैयार। 20 जुलाई से शुरू होगी हेरिटेज ट्रेन, आज से बुकिंग भी चालू। एक बार फिर सुहानी वादियों की सैर करने के लिए तैयार हो जाइए। यह मौका 20 जुलाई से मिलने जा रहा है। रतलाम मंडल 5 महीने बाद दोबारा हेरिटेज ट्रेन का संचालन पातालपानी रेलवे स्टेशन से करने जा रहा है, लेकिन यहां तक जाने के लिए फिलहाल पर्यटकों को सड़क मार्ग से होकर ही जाना होगा। पातालपानी कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन को लेकर पर्यटकों में अलग ही क्रेज है। शनिवार से शुरू हो रही ट्रेन के लिए बुकिंग शुरू हो गई है। इधर रेलवे ने ट्रेन संचालन के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली है। 2 दिन पहले हेरिटेज ट्रेन का ट्रायल भी लिया जा चुका है। ग्वालियर में झोलाछाप, डॉक्टरों के अवैध क्लिनिक पर छापेमारी से हड़कंप, बोर्ड हटाए। अवैध रूप से चिकित्सक का कारोबार कर रहे झोलाछापों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बुधवार से छापामारी शुरू कर दी है। छापामारी की खबर सुनते ही झोलाछापों में हड़कंप मच गया और अधिकतर अपनी अपनी दुकानें बंद कर गए। कार्रवाई के डर से क्लिनिक से बोर्ड तक हटा लिए गए हैं, जिससे छापामारी से बच सके। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के पास झोलाछाप की क्लिनिकों की अधिकृत कोई सूची नहीं है, इसलिए यह लंबे समय से कार्रवाई से बचते रहे हैं। अब लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा आयुक्त ने इन पर कार्रवाई करने का आदेश जारी किया तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टीम के साथ मैदान में उतरे। मोरेना में बारिश से बचने पहले जर्जर टिन शेड की मरम्मत की, फिर किया अंतिम संस्कार। बारिश के दिनों में मुरैना जिले के कई गांवों में अंतिम संस्कार करना बड़ी परेशानी बन गया है। कहीं मुक्तिधाम ही नहीं, कहीं मुक्तिधाम तक पहुंचने वाला रास्ता कीचड़ में है तो कहीं श्मशान ही जलमग्न है। ताजा मामला जौरा तहसील के हड़बांसी गांव का है, जहां अंतिम संस्कार से पहले ग्रामीण आए को श्मशान के टूटे फूटे टिनशेड का सही करना पड़ा, जिससे बारिश में चिता की आग न बुझे। इसके बाद शव का अंतिम संस्कार किया गया। बीबीए होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का रिजल्ट जारी। इंदौर का देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अब लगातार रिजल्ट जारी कर रही है। बीबीए होटल मैनेजमेंट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। करीब 4000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 70% पास हुए। डीएवीवी ने 7 अगस्त तक सभी रिजल्ट जारी करने का टारगेट रखा है। प्रदेश में नामांतरण, बंटवारा सहित अन्य राजस्व से जुड़े लंबित मामलों के निराकरण के लिए पटवारी और राजस्व निरीक्षक संविदा पर रखे जाएंगे। इसमें सेवानिवृत्त पटवारी और राजस्व निरीक्षक को रखा जाएगा। इसके लिए कलेक्टरों को आवश्यकता का आकलन कर नियुक्ति प्रक्रिया करने कहा गया है। प्रदेश में गुरुवार से फिर राजस्व महाभियान प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के लंबित मामलों का निराकरण प्राथमिकता से किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए जो पात्र किसान छूट गए हैं, उनका नाम शामिल किया जाएगा। ड्रोन से सर्वे होगा। इन सभी कामों में पटवारी और राजस्व निरीक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जिन जिलों में इनकी कमी है, उन्हें पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे संविदा सेवानिवृत्त पटवारी और राजस्व निरीक्षकों को रख लें, ताकि उनके अनुभव के माध्यम से जिस उद्देश्य से अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है, उसकी पूर्ति हो सके। अब ग्वालियर कृषि विज्ञान केंद्र युवाओं को खुलवाएगा कड़कनाथ के अंडों का स्टॉल, बढ़ेगा रोजगार। झाबुआ का कड़कनाथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ ग्वालियर में रोजगार के अवसर भी बढ़ा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र यानी केवीके में कड़कनाथ मुर्गी की संख्या 2 गुना हो चुकी है। हर चौथे दिन 125 चूजे तैयार हो रहे हैं। इसके साथ ही हर दिन 125 से अधिक अंडे निकल रहे हैं। इसको लेकर कृषि विभाग युवाओं को रोजगार देने के लिए अंडे बेचने का स्टॉल लगवाने की दिशा में कदम उठाने वाला है। इससे केवीके की भी आय बढ़ेगी और युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। इसी तरह से किसानों को चूजे पालने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, इससे उनकी आय में वृद्धि होगी। भोपाल में जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने अब भटकना नहीं पड़ेगा। नगरीय प्रशासन ने की यह व्यवस्था। जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब शहर के नागरिकों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। नगर निगम प्रशासन इसके लिए एक नई व्यवस्था करने जा रहा है। अब निगम के कार्यालयों से चिकित्सालयों, नर्सिंग होम्स, विश्राम घाट और कब्रिस्तान को लिंक किया जाएगा। महापौर मालती राय ने बताया कि नागरिकों की सुविधा के मद्देनजर जन्म मृत्यु के पंजीयन के लिए चिकित्सालयों और विश्राम घाटों व कब्रिस्तानों द्वारा जन्म अथवा मृत्यु संबंधी सूचना जोन कार्यालय निगम मुख्यालय में 3 दिन में अनिवार्य रूप से देने के निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, जन्म मृत्यु के संबंध में जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं विश्राम घाट कब्रिस्तान प्रबंध समितियों को शीघ्र पत्र लिखकर अनिवार्यता सुनिश्चित करने को कहा है।